माईसेल्फ आयशा मंजर। आज मैं आपको शब्द भेद के प्रकार बताने जा रही हूँ। शब्द भेद के 8 प्रकार होते हैं। संज्ञा, नाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। मैं हूँ संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, अनार, गुहार, नगर, लाल किला, प्रेम आदि। मैं हूँ सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली सब सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, हुआ, उसका, आपको, ठन आदि। मैं हूँ विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे कि मोटा, बुरा, अच्छा, गहरा आदि। मैं हूँ क्रिया। किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराने वाला शब्द क्रिया कहलाते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, सोना आदि। मैं हूँ क्रिया विशेषण। क्रिया का ही विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे तेज, धीरे, अचानक, एकाएक आदि। संबंध बोधक, किसी बात में आपके संबंध होने वाले शब्द को संबंध बोधक कहते हैं। जैसे दूर, पास, ऊपर, नीचे, तक आदि। मैं हूँ समुच्चय बोधक। दो शब्दों अथवा वाक्यों को एक दूसरे से मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे और, तथा, एवं, किंतु, परंतु आदि। मैं हूँ विस्मय आदि बोधक। मन के दुख, हर्ष, भय, शौक आदि भावों को प्रकट करने वाले शब्द को विस्मय आदि बोधक कहलाते हैं। जैसे वह, कराता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्म कारक, क्रिया का प्रभाव जिस संज्ञा सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। करण कारक, क्रिया करने के साधन को करण कारक कहते हैं। संप्रदान कारक, वाक्य का कर्ता जिसके लिए कुछ करता है, जिसे कुछ देता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। अपादान कारक, वाक्य जिस संज्ञा सर्वनाम पद से किसी के अलग होने या तुलना करने का भाव व्यक्त होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक, एक संज्ञा या सर्वनाम पद का किसी दूसरे या संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध बताए उसे संबंध कारक कहलाता है। जो संज्ञा या सर्वनाम पद क्रिया होने का आधार, समय या स्थान आदि का बोध कराता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। संबोधन कारक, संबोधन कारक जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने अथवा सावधान करने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। मैं सर्वनाम हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, वह, तुम, कुछ आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम हूँ। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले व्यक्ति, सुनने वाले श्रोता और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसके लिए प्रयुक्त होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, उसे आदि। मैं निजवाचक सर्वनाम हूँ। कर्ता के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं निश्चयवाचक सर्वनाम हूँ। जो सर्वनाम पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयपूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। मैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम हूँ। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करते उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। मैं संबंधवाचक स्वरनाम हूँ। जो स्वरनाम शब्द प्रधान वाक्य का अर्थ पद संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक स्वरनाम कहते हैं। जैसे जिसने, उसने, जो, सो, जैसा, वैसा आदि। मैं प्रश्नवाचक सर्वनाम हूँ। जिन सर्वनामों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में प्रश्न पूछने के लिए होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसने, क्या, किसी आदि। धन्यवाद।